दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर में वाईफाई के जरिए नेट कैसे चलाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम वाईफाई के जरिए कंप्यूटर में नेट कैसे चलाएं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने एक थंबनेल लगा दिया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था USB के जरिए कंप्यूटर में नेट कैसे चलाएं, तो इस पर अच्छा खासा मेरा रिव्यू आ चुका है, इसलिए मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। उसमें मेरे क्या 91K हो चुके हैं, तो जल्दी से उस पर आप 100K करवा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि मुझे कई भाइयों ने कमेंट किए हैं कि भाई आपने तो इस बारे में बता दिया कि हम USB के ज़रिए कंप्यूटर में नेट कैसे चलाते हैं, बट आप इस बारे में वीडियो बनाएं कि हम हॉटस्पॉट के ज़रिए कंप्यूटर में नेट कैसे चलाया जाता है, ठीक है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा कि वाईफाई के ज़रिए हम कंप्यूटर में नेट कैसे चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शेख नईम, आप देख रहे हैं ओनली टेक्निकल इन हिंदी। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं हम हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑलरेडी कभी वाईफाई है तो ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई नहीं है तो आपको एक डोंगल परचेस करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है उसको अनबॉक्सिंग और मैंने उसको लगाते कैसे है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक है। मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ या फिर मेरे आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे का आपको प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन यहाँ पर दिखा रही है आपको, उसके बाद में आप नीचे की साइड में देख सकते हैं ये जो वाईफाई का आइकन आपको दिखा रहा है इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई नो वाईफाई नेटवर्क फाउंड, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन दिखा रहा है, ठीक है। आपको दोस्तों मोबाइल में अपने क्या करना है, आपको हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है और आपका जो मोबाइल डाटा कनेक्शन है उसको ऑन कर लेना है, ठीक है। आपको और दूसरा मोबाइल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बड़ी आसानी तरीके से दोस्तों हम हमारे कंप्यूटर में नेट चला पाएंगे, ठीक है। बस आपको मोबाइल में अपने दो काम कर, तो एक तो आपको हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है और दूसरा आपका डाटा कनेक्शन ऑन कर लेना है और आपको यहाँ पर मोबाइल का काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको दोस्तों कंप्यूटर में करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए मैं रेफ्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रेफ्रेस दोस्तों करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा शेख नईम 2 यहाँ पर कनेक्शन बता रहा है, ठीक है। कभी आपने आपके मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखा है तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर डिसेबल कर लेता हूँ और यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए आप जैसे कि मेरा जो भी पासवर्ड है मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा, ये देखिए मेरे यहाँ तो कनेक्ट हो ही गया है क्योंकि इससे पहले मैंने इसमें पासवर्ड एंटर करके रखा है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप हॉटस्पॉट से किसी भी मोबाइल में इंटरनेट शेयर कर सकते हो, ये इसी जरिए से आप कंप्यूटर में भी सेम प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इंटरनेट बड़ी आसानी तरीके से कनेक्ट हो चुका है, ना ही मुझे यहाँ पर USB की ज़रूरत पड़ी है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कंप्यूटर में USB से इंटरनेट कैसे चलाए, तो उस पर भी मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, उस पर मेरे अभी 90 या 91K व्यू आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच कहना। कई कमेंट आए हैं कि वाईफाई से इंटरनेट शेयर कैसे करें, इससे पहले तो मैंने आपको USB से शेयर करके दिखाया था कि इंटरनेट शेयर कैसे करते और कैसे चलाते। कई लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट किया कि आप वाईफाई से इंटरनेट कैसे चलाइए ये बताइए इंटरनेट शेयर करके, ठीक है। तो दोस्तों कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई हमें उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे जिससे हम वाईफाई के ज़रिए से कंप्यूटर में नेट चला पाए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं वही बना रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर इंटरनेट चला के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, मैं देख सकते हैं यहाँ पर ब्यूटी कर देता हूँ, निस्ता ब्यूटी, यहाँ पर फ्लावर भी कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर मैंने ये सर्च नहीं हो रहा है, एक मिनट, ब्यूटी ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्यूटी फ्लावर जैसे यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने मेरा इंटरनेट भी थोड़ा भी फास्ट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इंटरनेट बड़ी आसानी तरीके से चलने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप बड़ी आसानी तरीके आपके कंप्यूटर के लैपटॉप में सेम प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपका किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, यूट्यूब से रिलेटेड हो या फिर ये वीडियो से रिलेटेड हो, तो आप वो भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, आप हमारे चैनल पे कभी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में बेल आइकन के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।